सो हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन डायमंड इंडस्ट्रीज़ के बारे में, क्योंकि यूएस ने कल कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जो कि जिसमें इंडिया का पैसा जो है $26 मिलियन वो फंस गया। अब ये क्यों हुआ, इसको हम पूरा समझने के लिए विस्तार में चर्चा करेंगे और वीडियो को पूरा देखें। सो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको क्लिक कर दें और लाइक कर दें। अब देखिए, यूएस ने, जैसा कि आप आर्टिकल में देख सकते हो कि यूएस फ्रीज 26 मिलियन फंड ऑफ ट्रांसफर बाय इंडिया डायमंड्री, यानी कि जो इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री है उसका फंड जो है 26 मिलियन वो उन्होंने फ्रीज कर दिया है। अब इसका कारण जो है वो मेनली रशिया है। रशिया क्यों है मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंडिया में जो है डायमंड कहीं भी नहीं मिलता है और हम लोग परचेज करते हैं डायमंड बाहर के देशों से। आज से एक साल पहले यूएस की जो गवर्नमेंट थी उसने कहा था कि हम जो रशिया है, रशिया की डायमंड इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर देंगे, उनके ऊपर इतने कड़े रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि उनसे कोई भी डायमंड नहीं लेगा और ना उनसे परचेज करने का सोचेगा भी। अब देखिए, उसी चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पे पड़ने लगा है, क्योंकि हम लोग परचेजिंग जो है ज़्यादातर रशिया से ही डायमंड की करते हैं। तो अब आप जैसे आर्टिकल में पढ़ सकते हो कि फंड बर्थ अप 215 करोड़ रुपीस फ्रीजन, यानी कि फंस चुका है एक तरीके से पैसा अब। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो तो शांत नहीं बैठेगी, वो कुछ ना कुछ बातचीत करेगी यूएस से और जो फंड है उसको रिलीज़ करवाने की कोशिश करेगी। अब देखिए, इंडिया के लिए वैसे 215 करोड़ रुपए कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अभी स्टार्टिंग है यूएस की तरफ से, क्योंकि यूएस ने पहले भी कहा था कि हम रशिया के ऊपर काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस लगाएंगे जो आगे चल के खतरनाक होंगे। अब देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक साल पहले स्विफ्ट सिस्टम जो था पेमेंट ट्रांसफ़र का, वो भी यूएस ने ख़त्म कर दिया था रशिया में। अब देखिए, यूएस का कहना है कि जिसका भी लिंक रशिया से जुड़ा होगा, यानी जो भी परचेजिंग या सेलिंग कुछ भी अगर कर रहा है रशिया से जो यूएस नियमों का उल्लंघन करेगा, हम उसको भी एक तरीके से पनिश करेंगे। तो इंडिया का अभी थोड़ा सा ही अमाउंट है आने वाले दिनों। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अगर कोई डायमंड का है तो वो इंडिया ही है, और पूरा इंडिया से जो है विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है और वहाँ पे सेलिंग की जाती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे इंडिया का हब जो है, जो कि डायमंड इंडस्ट्रीज कही जाती है, वो सूरत को कही जाती है, गुजरात को माना जाता है। देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट जो ऑफिसेज जोड़े गए थे डायमंड के, वो गुजरात के सूरत में बनाई गई बिल्डिंग है और सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिल्डिंग है। अब देखिए, इंडिया जो है इंपोर्ट मोस्टली 3 देशों से करता है, जैसे कि हमारा डायमंड जो है वो 3 देशों से खरीदता है, यूनाइटेड अरब से खरीदता है, एक बेल्जियम से खरीदता है और तीसरा रशिया से खरीदता है। तो यूनाइटेड अरब से और बेल्जियम से कम खरीदता है, क्योंकि रशिया के ऊपर ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लगाए गए थे, तो इंडिया जो है वो कम सस्ते के चक्कर में रशिया से परचेज करता है, इसीलिए जो है इंडिया इन मुद्दों में आके फंस गया। अब देखिए, जैसे कि इन 3 देशों से जो है वो रॉ मटेरियल खरीद के इंडिया में सिर्फ और सिर्फ जो है डायमंड्स की पॉलिशिंग की जाती है और फिर इनको सेल किया जाता है इंडिया के अंदर भी और विदेशों में भी ये बेचे जाते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि G7 कंट्रीज जो हैं वो रशिया को तबाह करना चाहती हैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लगा के, तो उससे इम्पैक्ट इंडिया को और रशिया को क्या पड़ेगा। करीब मैं आपको बता दूं 1 मिलियन जॉब्स चली जाएंगी अगर रशिया में डायमंड इंडस्ट्रीज को बंद किया गया, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया और रशिया को। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि ये ज़्यादातर खतरनाक हो सकता है रशिया और इंडियंस के लिए। अब देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि G7 कंट्रीज़ हैं उसमें 7 देश आते हैं, US, UK, जापान, इटली, जर्मन, फ्रांस एंड कनाडा। इन्होंने पहले ही रशिया के ऊपर इतने सारे इंस्ट्रक्शन लगा दिए हैं, उनसे तेल गैसेस सब खरीदना बंद कर दिया है और देशों को भी मना किया है, लेकिन इंडिया तेल खरीदता आ रहा है और अभी तक कोई भी सैंक्शंस इंडिया के ऊपर नहीं लगे हैं और काफ़ी कुछ यूएस ने इन सैंक्शंस में बदलाव भी किया। तो अब देखना ये वाजिब है कि डायमंड इंडस्ट्रीज के लिए क्या सैंक्शंस में चेंज किया जाता है इंडिया के लिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि 7% जो है GDP का वो
इसके डायमंड इंडस्ट्रीज के द्वारा ही जीडीपी में आता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है इंडियन इकोनॉमी को। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट को है बातचीत करनी चाहिए यूएस से, और जो इसके इंस्ट्रक्शन हैं जो फ्रीज किया है पैसा, क्योंकि ये भी थोड़ा ही अमाउंट है, आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट फंस सकता है, इसीलिए इंडिया को एक बार बात करनी चाहिए। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें, और मुझको बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है वीडियोस में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।